पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। सिंगरौली में भी यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश घोटाले का प्रदेश बनता जा रहा है। हर दूसरे महीने मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हो रहा है। व्यापम जैसे विश्व स्तरीय घोटाले के बाद अब पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, जो कि करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात है। शिवराज सिंह प्रदेश के युवाओं के मामा बनते हैं, लेकिन वो अपने भांजों के साथ और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आने वाले चुनाव में प्रदेश का युवा भाजपा की भ्रष्ट सरकार को करारा जवाब देने को तैयार है। वहीं युवा कांग्रेस नेताओं ने पटवारी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज युवा कांग्रेस सिंगरौली द्वारा जो ये शिवराज सरकार ने व्यापम 3.0 लॉन्च किया है, पटवारी भर्ती घोटाले के विरोध में हम सभी युवा कांग्रेस सिंगरौली के साथी शिवराज सिंह जी का पुतला दहन किए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह ने इसको घोटालों की और भ्रष्टाचार की प्रदेश के रूप में जग जाहिर करने का काम किया है। पटवारी भर्ती घोटाले में एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो कि शिवराज सिंह के नेताओं के कॉलेज में 70 से 80% अभ्यर्थियों ने इस चयन परीक्षा को पास किया है, जो ही बहुत ही संदिग्ध है। इतना ही नहीं, एक एक घर से, एक परिवार से 6 से 7 लोगों ने इस अभ्यर्थी चयन परीक्षा को पास किया है, जो पूर्ण रूप से घोटाले को प्रदर्शित करता है। शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रदेश के युवाओं को भांजा बताने का काम करते हैं, वो मामा अपने भांजाओं को जो टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। युवा कांग्रेस सिंगरौली यह मांग करता है कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए, और अगर जल्द ऐसा नहीं हुआ तो ये जो जिलों में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जल्द ही हम प्रदेश की तरफ कूच करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि जो युवाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं शिवराज सिंह जी, वो बर्दाश्त नहीं होगा, और आने वाले चुनाव में एक एक युवा अपने अपने विश्वासघात का इनसे जवाब मांगेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।